वाराणसी के लोहता के किराकतपुर स्थित वाराणसी पब्लिक स्कूल में शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने का एक प्रमुख केंद्र है। वहीं बी एक्सपर्ट की एंकर सोनाली पटवा से बातचीत के दौरान स्कूल के निदेशक अमित पांडे ने बताया कि इस स्कूल में बच्चों के लिए उच्चतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। शैक्षिक सुविधाओं के अलावा स्कूल में खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। वहीं यह स्कूल राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। वाराणसी पब्लिक स्कूल के छात्रों के राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, वहीं जिससे वो अपने खेल कौशल को निखार सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाता है जो छात्रों को वैश्विक मंच पर अपने प्रदर्शन का मौका देता है। वाराणसी पब्लिक स्कूल के उद्देश्य बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें खेलों में भी उत्कृष्ट बनाने का है। इस प्रकार यह स्कूल न केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से बल्कि खेल के क्षेत्र में भी छात्रों को बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर करता है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज जी। इस वक्त हम वाराणसी के लोहता के किराकतपुर में मौजूद है वाराणसी पब्लिक स्कूल में। हम यहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे बातचीत करेंगे स्कूल के और जानेंगे क्या उद्देश्य रहा स्कूल के खोलने का। और स्पोर्ट टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो अधिकतर स्कूल में देखा जाता है कि स्पोर्ट टूर्नामेंट जो है उसका प्रतियोगिता जो है उसे नहीं उस पर जोर दिया जाता है, पर बीपीएस की बात की जाए तो यहाँ पे ज्यादातर जो प्रतियोगिता होता है वो स्पोर्ट टूर्नामेंट का होता है अधिकतर। आइए उन सर से बातचीत करेंगे यहाँ के डायरेक्टर से और जानेंगे कि क्या कुछ उनके स्कूल में फैसिलिटीज है, यह भी उनसे बातचीत में जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सर। नमस्ते, अभी एक्सपर्ट में आपका स्वागत। नमस्ते मैम। पूरा परिचय पहले आपका जानना चाहेंगे। मैं अमित पांडे, डायरेक्टर वाराणसी पब्लिक स्कूल और कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ, महासचिव वाराणसी मंडल ओलंपिक संघ। सबसे पहला हमारा सवाल ये होगा, स्कूल खोलने का लोहता जैसी जगह पे क्या उद्देश्य था? जब यह विद्यालय हमारा 2000 में खुला था, हमारे पिताजी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, तब यहाँ पे मूलभूत जो चीजें थी वो नहीं उपलब्ध थी, जैसे विद्यालय हो या महाविद्यालय हो, वो यहाँ नहीं थे। बच्चों को या तो शहर में जाना पड़ता था, जो गांव के बच्चे जैसे चौरी कपसेठी उधर के बच्चे शहर में आके पढ़ते थे, तो उनको देखते हुए हमने यहाँ पे एक स्कूल की नींव हमारे पिताजी ने रखी थी। सर, अगर बाकी स्कूलों के अगर कंपेरिजन किया जाए तो वाराणसी पब्लिक स्कूल में ज्यादातर देखा जाता है कि स्पोर्ट टूर्नामेंट्स की जो प्रतियोगिता है होती है उस पे स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस होता है, क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली मेरे फादर भी स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हुए थे, मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं स्कूलिंग लाइफ में था तो मैं एक चेस का प्लेयर भी था, मेरी 1800 इंटरनेशनल रेटिंग भी है। और वर्तमान समय में मैं लगातार टूर्नामेंट्स करा रहा हूँ और मेरी ये कोशिश है कि ठीक है, बच्चे पढ़ाई से तो नौकरी पा रहे हैं, खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे वो नौकरी पा सकते हैं। अभी आप देखिए, मेरठ की लड़की एशियन गेम्स जीत के आई और वो डिप्टी कमिश्नर बन गई। बनारस के ललित को देखिए, वो डिप्टी कमिश्नर बन गए। तो अगर पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेल में भी अपना रुझान रखेंगे तो उन्हें अच्छी से अच्छी नौकरियां मिलती रहेंगी। सुनने में भी आया है कि यहाँ से दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो सितंबर अक्टूबर में इजिप्ट जाने वाले हैं स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए, क्या कुछ जानकारी है? जानना अभी 10 तारीख से 14 तारीख के बीच में आईएसएफ ट्रॉफी राजस्थान जयपुर में ऑर्गेनाइज थी, जिसमें दो बच्चे हमारे विद्यालय के खेले और भारत ने जूनियर और यूथ दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और आगामी सितंबर महीने में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है इजिप्ट में, उसमें मेरे दोनों बच्चे प्रतिभाग करेंगे। और अगले महीने अजाबिस्तान में एक प्रतियोगिता है जिसमें हमारे विद्यालय की एक लड़की है सुमन, वो भी जा रही है खेलने। तो बनारस ये दो बच्चों का सिलेक्शन आपके स्कूल से हुआ है और वो इजिप्ट में जा रहे हैं इस स्पोर्ट टूर्नामेंट। सर, किस तरह से बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज यहाँ स्कूल की तरफ? जो बच्चे नेशनल प्लेयर होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टडीज कराते हैं, वो किसी भी गेम को, मैं ये नहीं कहता कि वो हैंडबॉल खेलें, चेस खेलें, वो किसी भी खेल के बच्चे हों, वो अगर हमारे विद्यालय से में पढ़ते हैं तो मैं उन्हें 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता हूँ। ये भी जानना चाहेंगे, आपके और भी ब्रांचेज हैं बनारस में कई, दो चार और इस बीपीएस के, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या वहाँ के क्या हमारे हर जगह के रूल एक बराबर हैं। हमारी दो छोटी ब्रांचेस जो क्लास 8 तक मान्यता प्राप्त हैं वो वाराणसी वाली स्कूल चेतगंज और वाराणसी वाली स्कूल माधोपुर है, और क्लास 12 तक की जो हमारी मान्यता प्राप्त एक और ब्रांच है वो है बंगालीपुर राजा तालाब में।
अभी अकेलवा में हमने डिग्री कॉलेज लड़कियों का खोला है, जहाँ बीए और बीकॉम की पढ़ाई होती है, और वहीं अकेलवा में ही हमने एक छोटे बच्चों का भी स्कूल खोला है, वो ज्ञानदानी गर्ल्स अकेडमी के नाम से। और हर जगह एक ही नियम फॉलो होता है कि अगर स्पोर्ट्स का बच्चा है तो 100% स्कॉलरशिप, ड्राइंग में उसकी अच्छी है तो भी हम उसके लिए कुछ करते हैं। जिस भी फील्ड के बच्चे हों, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे अच्छे जाएं, अगर वो डांस में अच्छे हैं, म्यूजिक में अच्छे हैं, तो वो अपने परफॉर्मेंस दें और आगे जाएं, स्कूल उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आपसे हमने बातचीत में लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज जो है उस पर भी ज्यादा कर स्टूडेंट्स का फोकस करने की बात कह रहे हैं, तो और भी चीजें क्या फैसिलिटी आपके कॉलेज में, कि इस कॉलेज और स्कूल्स में दोनों में कि लोग अधिक से अधिक जुड़े? देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि पढ़ाई तो सब करा रहा है। आप देख रही हैं कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, नई शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई ज्यादातर होनी चाहिए। तो स्किल किसी में पढ़ाई का है, किसी में ड्राइंग का है, किसी में म्यूजिक का है, किसी में डांस का है। अटल रोबोटिक एक आया था बीच में, हम लोगों ने उसको लॉन्च किया था कि बच्चे मैकेनिकल कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। साइंस का फील्ड है तो उसमें जो उनके प्रैक्टिकल्स होने चाहिए वो इस तरीके से प्रैक्टिकल्स होने चाहिए कि उसको वो यूज़ कर सकें। अगर वो क्लास 12th पास आउट करके स्कूल से बाहर जा रहे हैं तो उनके पास इतना कैलिबर रहे कि वो आगे अगर नहीं भी कोई पढ़ पा रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घर के किन्हीं कारणवश नहीं पढ़ पाते, तो उनके हाथ में ऐसी व्यवस्था रहे कि वो अपनी जॉब कर सकें। कि कुछ सरकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से है उनकी तो क्या हमारे इस स्कूल में वो प्रोवाइड होता है? नहीं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं प्रोवाइड होती, लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बच्चों तक पहुँचे, अभिभावकों तक पहुँचे। और जब भी कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार की तरफ से भी उसकी मदद उसे मिलती रहे, क्योंकि एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, सिर्फ खेल का मैदान चाहिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा वो खेल खेलेगा उतना ही वो अपने खेल को निखार लाएगा। एज ए डायरेक्टर आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपको किस स्पोर्ट्स में रुचि रहा? मैम, पहले तो मैं चेस का प्लेयर था, अब आज के समय में अगर मैं कहूँ तो मैं हैंडबॉल में सबसे ज्यादा मेरी रुचि है, और रोज एक नई चीज सीखने को मुझे मिलती है। और कभी कोई ये नहीं कह सकता कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र आजीवन आप सीख सकते हैं, आप एक बूढ़े व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। आपके स्कूल में ये स्पोर्ट्स के जो कॉम्पिटिशन वो होते रहते, क्या आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते? मैं बच्चों को सिखाता हूँ, ज़्यादातर जो एकेडमी हमारी चलती है मैं उसमें सिखाता हूँ बच्चों को, जो कहीं कहीं जो हमारे कोचेस नहीं बता पाते, क्योंकि कोचेस को भी वही जानकारी होती है जो वो देखते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से चीज़ों को देख के सीखते हैं, तो उस चीज़ों को हम लोग बच्चों तक पहुँचाते हैं और बच्चों को उसको भी बेनिफिट्स लेते हैं। यह भी सुनने में आया है कि आपके स्कूल से कई बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल भी गए हुए, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जान। देखिए, हमारे यहाँ से अभी तक टोटल 8-9 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जा चुके हैं, और 12 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल प्लेयर हैं हमारे यहाँ, जो लगातार गेम को आगे ले जा रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन। बूढ़े व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। आपके स्कूल में ये स्पोर्ट्स के जो कॉम्पिटिशन वो होते रहते, क्या आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते? मैं बच्चों को सिखाता हूँ, ज़्यादातर जो एकेडमी हमारी चलती है मैं उसमें सिखाता हूँ बच्चों को, जो कहीं कहीं जो हमारे कोचेस नहीं बता पाते, क्योंकि कोचेस को भी वही जानकारी होती है जो वो देखते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से चीज़ों को देख के सीखते हैं, तो उस चीज़ों को हम लोग बच्चों तक पहुंचाते हैं और बच्चों को उसको भी बेनिफिट्स लेते हैं। यह भी सुनने में आया है कि आपके स्कूल से कई बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल भी गए हुए, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जान। देखिए, हमारे यहाँ से अभी तक टोटल 8-9 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जा चुके हैं, और 12 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल प्लेयर हैं हमारे यहाँ, जो लगातार गेम को आगे ले जा रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहा हूँ। सर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मुहिम मैंने शुरू किया था, खेलेगा इंडिया खेलेगा इंडिया, और आज खेलो इंडिया ने भी उसको ऑब्जर्व किया है और यूपी गवर्नमेंट ने भी ऑब्जर्व किया है। पहले होता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, तो आज वो समय बदल गया है, आज खेलोगे कूदोगे तो भी होगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी होगे नवाब। तो आप खेलो पढ़ो और अपना बेस्ट बेस्ट दो।
आप देख सकते हैं इस वक्त हम बात कर रहे थे वानसी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मिस पांडे जी उर्फ किशन जी से। साफ तौर पर उन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर अपनी राय रखी है, किस तरह से स्कूल में जो फैसिलिटीज हैं और बाकी इनके जो ब्रांचेज हैं उनमें जो फैसिलिटीज है उनके बारे में उन्होंने बताया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाठक, एक्सपर्ट न्यूज।